पहले भी निर्विरोध वार्ड पार्षद रह चुकी है, साथ ही साथ समाज सेवा से जुड़ा हुआ यह परिवार है। नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरा हो चुका है और इनके निवास स्थान पर हम लोग पहुँचे हुए हैं, तो हम लोगों के तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामना। साथ ही साथ ये हम बतलाना चाहेंगे कि उप सभापति की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उप सभापति के चुनाव के पद पर जो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है उसके बाद इनका क्या कहना है, आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुभकामना आपको। नॉमिनेशन आपका हो गया है जी? मैं आपका चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जी। आप जनता के धन्यवाद देते हैं जी, जी। आप मान लेते हैं बहुत अच्छा से अच्छा सुंदर से सुंदर आप रोड बनाएगा, अपन सिवान के विकास करेगा, विकास होगा जी जल्दी। और महिला लोग हैं सब मान लेते हैं कि गुड्ढा पेंसिल बनवाएगा, घर बनवाएगा, बहुत सुंदर सुंदर से माने विकास करेगा। बिल्कुल। देखिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार ने आरक्षण दिया है, यही वजह है कि आज घर की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और इनका एक सपना है कि सिवान को सुंदर स्वच्छ निर्मल नगर बनाना है और नगर परिषद में ऐसा काम करना है कि इसकी चर्चा सिर्फ सिवान तक नहीं बल्कि पूरे देश में हो। और इसी को सपने को पूरा करने के लिए आज नॉमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचे हुए थे और लोगों का जो हुजूम था उससे यह पता चल रहा था कि लोगों के दिल में कितना यह जगह बनाई है, इसीलिए इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इस नॉमिनेशन में हर समाज हर जमात के लोग शामिल थे। बगल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे, अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे। सबसे मैंने आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से 45 वार्ड की जनता को मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। अच्छा, उप सभापति चुनाव की जो तैयारी हो रही है, आप लोगों का नामांकन पूरा हो गया? जी, मेरा नामांकन तो पूरा हो गया, मेरे मम्मी का नामांकन पूरा हो गया है। लेकिन हम जनता से जो इतना भी हर चैनल में अपील किए कि मैं जो भी कार्य करूंगा, अगर जो भी जनता को वोट देना है जी, साफ सुथरा छवि को आदमी को दीजिए। बिल्कुल। अगर हमारे छवि में कहीं दाग है, हम 2002 से हमारी मम्मी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, उसका कार्यकाल देख लिया जाए, किसी मीडिया से, किसी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जनता के माध्यम से इसको जांच करवा लिया जाए, किसी प्रकार के अगर दाग है। सभापति और जो उप सभापति का पद है सिवान में, वो काफी कलंकित पद रहा है 5 साल से, इस पे भ्रष्टाचार का लोगो लगा हुआ है, तो क्या प्लान रहेगा, कैसे इस लोगों को हटाइएगा सिवान से आप? जो तो इस बार तो सबसे बड़ा मौका मिला है कि जनता को हाथ में गया है चुनने के लिए, सबसे बड़ा मौका दिया है सरकार दिया है। हम सरकार का धन्यवाद देते हैं कि जो सरकार दिया है कि जनता चुने। पहले लोग चुनते थे कौन, यहाँ से जीत कर वार्ड पार्षद जाते थे, कोई कुछ में लेता था, कोई कुछ लेता था, कोई कुछ लेता था लेकर, और यही भ्रष्टाचारी का कारण है। तो क्या लग रहा है कि जनता जब चुनाव करेगी तो भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों पर लगाम लगेगा? ये अवश्य लगेगा, इसलिए कि जनता चुन कर भेजेगी तो वो तो 15 साल चाहे 20 साल पहले का चुना हुआ आदमी को देखेगी ना कि किस पे दाग है किस पे नहीं दाग है, ये तो जनता का चुनेगी, खुद चुनेगी। हमारा 2002 का हम कह रहे हैं, आज 2002 से लेकर 2005 तक यही उर्मिला देवी वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 9 उस समय बोला था बोल रहा था, हम लोग वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद रह चुके हैं। उस समय का विकास या किसी प्रकार का हम लोग पर दाग जनता जाँच कर ले। तो जी, देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे दावेदार थे उप सभापति के लिए जो काफ़ी लंबे समय से चुनावी मैदान में थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन सीट रिजर्व हो जाने के कारण वो चुनाव अब नहीं लड़ रहे हैं। और तो उस समय आपका जो माता जी का जो अनुभव है राजनीति में वो काम आया और आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं उप सभापति का, तो क्या लग रहा है जनता माता जी के कार्य को देखते हुए सिवान का उप सभापति बनाएगी? जी जी, देखिए जनता का, देखिए उस समय जनरल था, ये तो सरकार का रूल है, सरकार का और चुनाव आयोग का रणनीति है कि अति पिछड़ा हुआ तो हमको मौका मिला तो हम उस मौका में आए। लेकिन हमारा कहने का मतलब, अति पिछड़ा में बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, एक हम ही नहीं आए, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट आ रहे हैं तो उस कैंडिडेट में चूज करना है जनता को कि कौन साफ सुथरा छवि का है, कौन इसका हकदार है, कौन कार्य बढ़िया कर सकता है। चलिए, आज नामांकन हुआ है सिवान के नगर परिषद के, जनता जो भी है जो आपके वोटर हैं उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मेरे को एक बार जो 2002 में मौका मिला था
कि जो जनता हमको निर्विरोध चुनकर SDO साहब का चैम्बर में भेज दी थी, इस बार फिर हमको जनता चुने। और उसी तरह जिस तरह हम 2002 से लेकर 2007 तक खड़े थे, खड़ा उतरे थे, उस तरह हम नगर परिषद उप चेयरमैन में उतरेंगे।